बेटा टैक्स कभी भी परसेंटेज में आपको नहीं देगा, और अगर देगा भी तो आपको बताएगा कि किस पे लगाना है। आप एम्प्लॉय की टैक्सेबिलिटी आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है बेटा, पेज नंबर 400 पे आ रही है। आदिल थैंक यू बेटा। ये कह रहे जनाब, पाक एयर लिमिटेड मैन्युफैक्चर स्पेशलाइज्ड टूल्स। गौर से देखना मेरे बच्चों। सर हमको स्पेशलाइज्ड टूल्स वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं। इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द पेरोल कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल आर एज अंडर। हमारे चार डिपार्टमेंट्स है, मशीनिंग, असेंबली, टूल रूम और वेयर हाउस। ठीक है जी, एग्जामिनर ने बिल्कुल सही तरीके से अज्यूम किया, ये दोनों वो जगह है जहां पर ओवरहेड्स इनकर होते हैं। वेयरहाउस में कोई प्रोडक्शन नहीं होती है, ठीक है। टूल रूम में टूल्स पड़े हुए होते हैं, मशीन के पुर्जे पड़े होते हैं, कोई प्रोडक्शन नहीं होती इधर। तो इनकी इंटायर वेजेस क्या होंगी? ऊपर के दो डिपार्टमेंट्स में मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। इनके सर ग्रॉस वेजेस इतनी है, 400 रुपए इसकी है, ओवर टाइम इतना है, ओवर टाइम इतना है, डन। उस बंदे ने इनकम टैक्स निकाल के दे दिया। सर ये किस रेट से लगा, वो किस रेट से लगा, ये किस पे लगा, वो किस पे लगा, हमारा कंसर्न नहीं है, ठीक है। उसने कहा जी 35 पेड लीव्स आर अलाउड पर ईयर इंक्लूडिंग एनुअल कैजुअल एंड सिक लीव्स। उसने कहा 35 छुट्टी हम साल में कर सकते, बता दिए, खत्म होगी बात। एनुअल बोनस इक्वल टू 1 month सैलरी इज पेड इन जून। हर जून में हम 1 महीने की सैलरी बोनस के तौर पे देते हैं, लेकिन हम अक्रूवल इसका थोड़ा थोड़ा करेंगे। द कंपनी मेंटेन्स अ कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड इन विच 8.33% ऑफ मंथली सैलरी इज कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर एज वेल एज द एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉयर अलग से भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉय की सैलरी से निकाल के भी कॉन्ट्रीब्यूट करवाएगा। ड्यूरिंग मंथ, ड्यूरिंग अप्रैल, एम्प्लॉयज अवेल्ड लीव्स ऑफ 85,000, 85,000 रुपए की उन्होंने इनकैशमेंट करवाई होगी, ठीक है, अवेल किया इसको। एडवांस पेड एंड रिकवर्ड, 17,000 का हमने नया एडवांस दिया और 28,000 का पुराना एडवांस रिकवर किया। कंपनी अक्रू करती है बोनस को, लीव्स को ऑन मंथली बेसिस, हर महीने थोड़ा थोड़ा अक्रू करती है। उसने कहा भैया जनरल एंट्रीज पास कर लें, शाबाश। ये सवाल अब खुद करना तुम लोगों ने। पहले दो ही टेबल बनाते हम। सर मेरे पास कंपोनेंट ऑफ वेजेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ऐसा मेरे पास डायरेक्ट के अंदर दो चीजें मिला के आ रही है, नॉर्मल वेजेस या ग्रॉस सैलरीज। कितनी? 1,400 और 100, टोटल है मेरे पास कितने का? 1,500। अब इस बंदे ने नहीं बताया कि ये ओवर टाइम का प्रीमियम है या ये ओवर टाइम की नॉर्मल वेजेस है, इसे नहीं बताया। मैं अज्यूम कर लेता हूँ प्रीमियम है, ठीक है जी। आपके एग्जामिनर ने इसको अज्यूम किया कि ये प्रीमियम नहीं है, वेजेस है नॉर्मल, ठीक है। 75 और 40 फर्क कोई नहीं पड़ना है इससे ना, 75 40 यहाँ आ जाएगा कितना, 115 और 20, 135, डन। उसके बाद सारी चीजें खत्म। अब बताओ सर मेरे पास लीव इन कैशमेंट कैसे निकाला आपने? 1,500 / 360 मल्टीप्लाई बाय 35 दिन, कितना? 146। फिर बोनस 1,500 / 85, वो कह रहा है 85 उसने अवेल कर लिए, रोजन आपने बनाया 85 ने आपने पे भी कर दिया उनको, ठीक है ना। 360 × कितना? फिर बोनस के बाद
प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय का किधर है? यही है, यहां है, ग्रॉस सैलरी में शामिल है। ये कितना? 1500 डिवाइडेड बाय, ना ना सर, 8.33 है। हाँ, फर्क आ जाएगा उससे, चेक करो। बस साई हिंद जो टोटल, हिंद जो टोटल है, हिंद जो टोटल 1515 करोड़ सौ भी, टू जीरो पक्का यही है। अब बताओ सर, पेरोल एक्सपेंस डेबिट 1500, वेजेस पेबल, वेजेस पेबल 1375, बाकी ना 1375 भी नहीं, टैक्स भी काटना है ना हमने, टैक्स है कितने का? 40 रुपए का, 1300 सर, ये 1335 ऐसा है, 1500 माइनस टैक्स 40 माइनस प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन जी, ये अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है अल्लाह। फिर पेरोल एक्सपेंस कितने से? 135। फिर प्रोविजन फॉर लीव एनकैशमेंट, ऐसा एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी जी, फिर पेरोल एक्सपेंस, फिर ठीक है भाई आपके पास आईफोन है, फिर किधर 146 प्रोविजन फॉर पेरोल एक्सपेंस डेबिट कितने से? सर मैंने वर्किंग थाउजेंड्स में नहीं की, फिगर्स में फर्क आ रहा है। पूरा काट देगा बेटा वो सवाल, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है यार, कोई मसले वाली बात नहीं जी। फिर 125 और प्रोविजन फॉर व्हाट? बोनस और कितने रह गए? 15 मार्क्स के लिए उसने जो है ना खून चूसा है। और छठा एडवांस डेबिट, एडवांस टू एम्प्लॉय डेबिट कितने से? 17,000 से। और ऐसा सर वेजेस पेबल डेबिट, अब पैसे पे करने की बारी, कैश क्रेडिट और ये एडवांस क्रेडिट हो रहा है 28 से, रिकवर हो गया। फिर कैश वेजेस पेबल कितना है? दो ही है बस सर, एक और दो, कितने? 14,200 पक्का, और पैसे अच्छा आठवां। अब प्रोविजन फॉर लीव इन कैशमेंट
ये अल्लाह तआला लाख लाख शुक्र है कि हमने लेबर का ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट किया और हम अगले टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। अपने पास हेडिंग डालेंगे नहीं बेटा, मशवरे का बहुत शुक्रिया, ये बात आपकी याद रखी जाएगी। जी गलत किया, क्योंकि तुम्हारे पास प्रोविडेंट फंड और ये सारी चीजें सिर्फ ग्रॉस वेजेस पे लगेंगी, 1635 पे नहीं लगेंगी। इसके बावजूद आप 1500 भी लेके चलना, जब वो एग्जामिनर कह देना कि ओवर टाइम की नॉर्मल वेजेस, तब भी वो जो नॉर्मल टाइम की वेजेस होती हैं बाकी चीजें उस पर लगती हैं। इवन अगर वो नॉर्मल टाइम ओवर टाइम की नॉर्मल वेजेस है ना, वो भी शामिल नहीं होती, क्योंकि आप एक एम्प्लॉय को कहते हैं नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में एक महीने की वेजेस, ठीक है ना। तो इवन ओवर टाइम के नॉर्मल वेजेस भी बोनस के लिए इंक्लूड नहीं करना, ठीक है ना। चलो जी, ये हो गया भैया पक्का, कर चुके हो कॉपी, ड्रामे नहीं।